अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। शराबबंदी वाले बिहार में सिवान पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। इसी बीच सिवान सदर एसडीपीओ फिरोज आलम के दिशा निर्देश पे लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसा जा रहा है। बीती रात महादेवा ओपी थाना प्रभारी कुंदन कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि यूपी से एक ऑल्टो कार में भारी मात्रा में देशी बबली बंटी शराब जो है शराब तस्कर लेकर सिवान हाईवे के जरिए जा रहा है। गुप्त सूचना मिलने के बाद दलबल के साथ कुंदन कुमार उस गाड़ी का पीछा किए, लेकिन कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि कार के साथ लगभग 250 लीटर देशी बबली बंटी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं धनौती पुलिस ने भी एक व्यक्ति को, जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है, उसे 45 लीटर देशी शराब के साथ एक बाइक और जावेद को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि मेरे द्वारा चलाए गए अभियान पे लगातार शराब तस्करों पे शिकंजा कसा जा रहा है। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीपीओ फिरोज आलम। यूपी से सिवान बाईपास के रास्ते एक ऑल्टो कार को झूनापुर मोड़ पर महादेवा ओपी प्रभारी के द्वारा पीछा करके पकड़ा गया है। इसमें महादेवा ओपी प्रभारी कुंदन कुमार पांडे और PSI कृष्ण मोहन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे द्वारा चलाए गए अभियान में महादेवा ओपी प्रभारी काफी गंभीरता से इसको लिए हैं। कितना शराब बरामद? 259 लीटर शराब को इन्होंने बरामद किया है और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। सर के मार्गदर्शन में हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रहे हैं। आज इसी आलोक में SHO धनौती के द्वारा पकड़ी मकरियार गांव में नहर के पास एक शराब के अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक हीरो की बाइक के साथ 45 लीटर शराब बंटी बबली पकड़ा गया। इसका एक साथी मंजूर भागने में सफल रहा, उसके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं और ये अभियान चलाया गया है आज और आगे भी चलाया जाएगा। मंजूर सर पहले जेल भी जा चुका है क्या? मंजूर पहले जेल जा चुका है और 3 शराब के मामले दर्ज।